वेलकम बैक टू हर विन आर्यन ब्लॉग्स। मैं हूँ आप सबकी चुलबुली नेहा और हम जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ अभी जिम। तो हमने अभी करी है अपने दिन की शुरुआत, तो मतलब दिन तो सुबह हो गया था, अब दोपहर हो रही है, आप लोगों से हम दोपहर को मिल रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ जिम और ये देखो आगे कौन कौन जा रहा है, कौन कौन है आगे। मैं हूँ आप सबका बिना आर्यन का आर्यन, एक नई दोपहर की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। और आर्यन जा रहा है स्विमिंग करने, उसने अपना बैग उठा लिया है स्विमिंग का, कॉस्ट्यूम पहन लिया क्योंकि मैंने स्विमिंग की क्लासेस ज्वाइन कर रखी है सर। तो गाइस मैंने स्विमिंग की क्लासेस ज्वाइन कर रखी है, सर मेरे को सिखाते बड़े अच्छे तरीके से। इधर मुंह करके बोल और विशाल जा रहे हैं आर्यन को क्लास में लेकर, अब स्विमिंग की क्लास करवाएंगे और मैं जा रही हूँ जिम। तो अभी विशाल आपको दिखाएंगे कि वो कैसे करता है स्विमिंग क्लास, वो व्लॉग बनाएंगे और मैं जाऊंगी तो मैं बनाऊंगी, दिखाते हैं आपको फिर। सो देखो फ्रेंड्स, आर्यन चला गया है स्विमिंग पूल के अंदर, जैसे आप लोगों को दिख रहा है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रहा पूरा आर्यन स्विमिंग कर रहा है अपनी मजे से। आर्यन अभी अपना जा रहा है, देखो अभी इसके कोच आए नहीं हैं, कोच लेट हो गया थोड़ा सा, बट वो अभी ये खुद ही प्रैक्टिस कर रहा है। अब वो अच्छे से कर लेता है लेकिन फिर भी अभी हमने कोच लगाया हुआ ताकि इसको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आ जाए। वो रहा देखो, ये देखो, ये स्टार्ट कर दी इसने, देखो मछली बन गया मछली। आ गया देखो, कैसा लग रहा है? चलो एंजॉय करो। यसना डुबकी लगा दी, देखो देखो यार इन स्विमिंग करता हुआ आ रहा है, ये देख अभी कह रहा है वापस जाएगा, देखो गाइस अभी वापस जाएगा, हाय बाय कर रहा है। बैक फ्लोट करने की कोशिश कर लेता है, वैसे तो उल्टा भी स्विमिंग कर लेता है। अभी नोज पिन पहना नहीं है। अपनी मस्ती कर रहा पूरा, देखो और लोग भी करने आ गए हैं, उधर भी बच्चे कर रहे हैं। देखो गाइस ये क्या कर रहा है, पहले बैक फ्लोट कर रहा है फिर पता नहीं अपने आप ही घूम के चला जाता है स्विमिंग करने। ये देखो क्या स्टाइल मारता भाई ये लड़का, मेरे को तो समझ में नहीं आता।
कोच साहब ने डांट दिया, हैंड स्ट्रेट हैंड स्ट्रेट। और देखो अब आ जाएगा बात। हो गई स्विमिंग, रेडी टू गो मॉल? हाँ पता भी है, ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा है। तो क्या खाएगा, खान चाचा के कबाब या चिकन लेग पीस? सोचते हैं। मजा आया? चलो जाओ नहा कर आओ फटाफट, गो। तो गाइस अब मिलते हैं थोड़ी देर में, ये बात लेकर आ रहा है, फिर घर जाके नहाएगा प्रॉपर। उसके बाद इसमें रखो अपने बैग में बेटा, अपने बैग में रखो। A few hours later. Guys, हमने स्विमिंग कर ली थी, मतलब मैंने स्विमिंग कर ली थी, मम्मा ने जिम कर लिया था, आके हम नहा लिए थे। और जैसे कि आप देख रहे हैं, नहाने के बाद हम रेडी शेडी होके अब कार में बैठ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं घूमी घूमी करने। मम्मा कहाँ जा रहे हैं हम? मॉल जा रहे हैं। मॉल कौन से मॉल? DLF मॉल, हमारा तो वो फेवरेट मॉल है, हम हमेशा वहीं पे जाते हैं। तो वहाँ पे मैंने कुछ सामान लेना है। क्या क्या क्या? यस, मैंने लेना है लैपटॉप लेना, और भी देखेंगे क्या क्या मिलता है। अभी जरूरी नहीं है कि अभी ले लेंगे तेरा लैपटॉप। हाँ अभी देखने जा रहे हैं, अगर ज्यादा कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा तो भी ले लेंगे, बाकी देखेंगे आगे जाके। है तेरे को तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगेगा, ले ले फोन आगे ये लो। इसको तो तेरे को तो ज्यादा ही अच्छा लगेगा, तेरा क्या है? नहीं नहीं गाइस, ऐसी ऐसी चीजों में ना गाइस मेरी भी स्पेसिफिक चॉइस है। वैसे मेरी इसमें स्पेसिफिक चॉइस है, लेनोवो का लेना है मेरे को तो लैपटॉप। नहीं लेनोवो का क्यों लेना है, कोई भी ले सकते हैं हम। लेनोवो, डेल, HP ये तीनों कंपनी अच्छी है। तो एप्पल का नहीं चाहिए तेरे को? मैकबुक, एप्पल बहुत महंगा है। अच्छा, मेरे को अच्छी भी नहीं लगती एप्पल कंपनी। ओके, हमें एप्पल पसंद ही नहीं है, हमें सैमसंग पसंद है ना। हमें सैमसंग ज्यादा पसंद है, मोबाइल्स में सैमसंग पसंद है। लैपटॉप का एक्चुअली हमने फिर कभी यूज ही नहीं करा ना एप्पल, तो इसलिए हमें पता ही नहीं। हमारे पास अभी जो का तो हमने टैब भी लिया था, लिनोवा का था, फिर ये कौन सा लिया तुमने? मेरे पास सबसे पहला जो लैपटॉप था वो HP का था, फिर लिनोवो लिया है ना हमने, नेहा जो भी लिया था। हाँ, पहले HP का था हमारे पास, वो हमारे पास लैपटॉप। एक्चुअली लिनोवो के लैपटॉप्स में था क्या होते हैं, कुछ लैपटॉप्स तो ऐसे होते हैं जो ना एक्चुअली हमारी इंडियन आर्मी भी वही यूज करती है। अगर आप देखोगे ना एक्चुअली, तो क्यों वो इतने रफ एंड टफ होते हैं ना, कुछ भी हो जाए तब भी कोई चलता रहता है। जैसे अभी पीछे किसी ने वो थोड़ा सा उसकी बॉडी में क्रैक भी आ रखा है हमारे पुराने लैपटॉप में, मतलब इतना पुराना भी नहीं है, बट आ गया वो, पता नहीं कुछ या तो हाथ रखा गया उस पर या कुछ हुआ और पता नहीं, बट क्या था वो तब भी एकदम परफेक्टली ऑल राइट है वो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो इसलिए रफ एंड टफ बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मेरे को वो पसंद भी आता है ज्यादा। उसकी बॉडी अच्छी, बाकी डेल भी अच्छी कंपनी है, HP भी अच्छी कंपनी है फॉर लैपटॉप्स। नहीं डेल के भी अच्छे होते हैं, मेरे पास पहले ऑफिस का था वो भी डेल का था, उसके अच्छे थे लैपटॉप जी है। पर्सनली वैसे तो HP इज वेरी गुड, लेकिन HP क्या थोड़ा फैंसी बनाता है, ठीक है ना, उसमें कलर ऑप्शंस भी बहुत सारे मिल जाते हैं। HP थोड़ा फैंसी बनाता है एक्चुअली। वो तो मेरे को तो फैंसी से कोई मतलब नहीं है सच, कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होनी चाहिए, जो लेटेस्ट हो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो ले लेंगे। और प्राइसिंग के अंदर भी आया, अभी अपने को ज्यादा पैसे नहीं फूकने के, बहुत ज्यादा पैसे फूक दें, और क्योंकि कोई IT कंपनी का काम तो चलना नहीं है उसके ऊपर, सिंपल बात है, नॉर्मल काम करना है हम लोगों को, ज्यादा नहीं है। एक ऑलरेडी है, एक RN के काम करने के लिए हमें लेना है, तो वो ज्यादा हाई फाई वाला नहीं चाहिए हमें, तो इसलिए। बाकी तो ऐसे तो बड़ी बड़ी कंपनी है गाइस, आपको पता ही होगा ASUS आ रखी है आजकल, आपकी ये एप्पल की बात कर रहे थे। Acer मेरे को नहीं पसंद, Acer तो बिल्कुल अच्छा नहीं, ऐसा लगता है चाइनीज ही है वो तो। अच्छा मेरे को भी नहीं लगता, बट वो ना फैशन मोड बनाता, आप देखोगे ना वो LED लाइट्स, वो जो अच्छी लाइट्स होती है ना। देखो ऐसा नहीं है कि अच्छा बुरा, वो तो जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक कुछ पता नहीं चलेगा, बट अगर क्या कहते हैं प्रेफरेंस रहेगी, क्योंकि लिनोवो तो हम यूज ही कर रहे हैं, तो लिनोवो इज गुड अभी तक तो जो हमने इस्तेमाल करा है। और साथ में अगर हम बात करें, हम HP भी कंसीडर कर सकते हैं। हमें लिनोवो को कितने इयर्स हो गए यार? हमने कोविड में लिया था, कोविड कब आया था? नहीं नहीं 2004 हो गए, फोर हो गए, फोर ईयर्स हो गए, फोर, हाँ यस फोर।
2020 में लिया था ना हमने, अगस्त वगैरह में लिया था, अब अगस्त ही आ गई 24 की, तो 4 इयर्स हो गए। और हमारा अभी भी अच्छा चल रहा है, हमें कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसको उसकी बात उसको नजर ना लग जाए, पता लगे ये लेने लग रहे हैं और नजर उस पे लग गई, तो वो तो हम देख लेंगे। और हम निकल चुके हैं तो आज यूजुअल हम लोगों को जाम तो मिलना है। मतलब हम बाकी ये कोई स्टोर से नहीं खरीदेंगे, क्योंकि नया के ब्रदर है जो उसका काम यही है, तो लैपटॉप वगैरह का एकदम पसंद तो करने जा रहे। पूछेंगे तो हम लास्ट में एक बारी देखने वैसे ही जा रहे हैं कि एक बारी खुद भी देखें क्या चीज है क्या नहीं है, क्योंकि उसने तो हमें सजेस्ट करा था कि ये वाला ले लेना अच्छा है, बट स्टिल हमने कहा और भी देख लें, फिर उससे डिस्कस कर लेंगे, वो जो बताएगा वो वाला वैसे लेंगे। वाला ले लेंगे। काम है मेरा वहाँ पे क्या करेगा पेट पूजा में, तेरे को सैलेड खिला देंगे, ग्रीन सैलेड नहीं फिर? चिकन खाऊंगा। अच्छा तुम ये स्पेसिफिक बोल रहा है। यस चिकन खाऊंगा। देखी जाएगी तो आगे से तो जान दिखा रहा जाएगा कि कहां का चिकन खाऊंगा। अच्छा कौन सा चिकन खाऊंगा, पर खाऊंगा तो नॉनवेज। ठीक है ठीक है ठीक है गाइस, अब हम DLF मॉल पहुंच चुके हैं और अभी हम सबसे पहले कहां जा रहे हैं? क्रोमा। यस हम सबसे पहले जा रहे हैं गाइस क्रोमा। मम्मा और दादी वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, दादी के व्हील चेयर पर बैठा ली थी तो मम्मा वो हमने पहले उतार लिया। आप जाओ व्हील चेयर लो दादी के लिए, हम डैड और मैं कार पार्किंग में लगा कर आते हैं, तो वही हमने करा। तो अभी फोन आया कि हम पहुँच गए आपके पास, मैंने कहा हम बिल्कुल सामने ही है, तो हेयर इट इज, हेयर इज क्रोमा। चलो अभी आपको मम्मा और दादी से मिलवाते हैं, हम भी देखते हैं कहाँ है क्रोमा में और फिर आपको मिलता है जब हम देखेंगे। देखो हम यहाँ पे लैपटॉप देखने आ चुके हैं, तो अभी चल रहा है यहाँ पे लैपटॉप की सर्च। आर्यन अभी देख रहा है, भैया एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। ये गेमिंग के लिए आपको मूव करने के लिए WASD चाहिए होता है, तो इसको स्पेसिफिक अलग चीज। ये गेमिंग लैपटॉप है ना, इसीलिए हमें गेमिंग नहीं चाहिए, हाँ हमें पढ़ाई के लिए चाहिए, तो अभी हम वो देखेंगे। मैं आपको इसलिए ऐसे बोला ना, इसलिए जितने भी लैपटॉप होते हैं उसमें WASD अलग से अलग की पैटर्न में होता है, क्योंकि इसको लोग खरीदते हैं ना वो मोस्टली मेरे हिसाब से तो आपके गेमिंग के लिए खरीदते हैं, बाकी आप लोग बताना आप लोगों ने वैसे वो आपके लिए भी खरीदा हो या नहीं, हमें कौन सा हमें लेना चाहिए, है ना? आर्यन की स्टडीज के लिए कमेंट सेक्शन में आपकी सजेशन देना हमें, कौन सा लेना चाहिए अगर आपकी लोन मंजूर हो। यस तो अभी विशाल उधर देख रहे हैं ऑप्शंस क्या क्या है, लेट्स सी। और दादी को हमने यहाँ आराम से बिठा दिया है चेयर पर, मेरा फेवरेट PS5 दिख गया। दादी आराम कर रही है, हम दादी को ले आए आराम से बिठा दिया है। अभी विशाल और आर्यन चूज कर रहे हैं क्या लेना चाहिए क्या नहीं, लेट्स सी, देखते हैं क्या हम आज लेके जाते हैं ऑप्शंस। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। फ्रेंड्स देखो अब हम लोग फ्रिज देख रहे हैं, हमें वैसे ही हमारा है तो सही फ्रिज ठीक ठाक चल रहा है, बट जस्ट फॉर द नॉलेज हम ले रहे हैं कि शायद हमें थोड़ा बड़ा फ्रिज चाहिए, हमारा फ्रिज नॉर्मल साइज का है, तो वी आर सर्चिंग, अभी नहीं ले रहे बट देख रहे हैं कि देख लें कि शायद आज नहीं तो एक हफ्ते बाद या महीने बाद ले ही लेंगे फ्रिज, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे ले लें, देखते हैं। बाकी ये विशाल अभी बात कर रहे हैं, लेट्स सी कौन सा, अभी हम देख के जा रहे हैं, आज घर में डिस्कस करेंगे सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना फिर लेंगे, तो अभी डिस्कशन चल रहा है भैया के साथ हमारा। आर्यन को भी कुछ पसंद आया वो भी बता रहा है अपनी चॉइस, देखते हैं अब घर जाके डिस्कस करके लेंगे, है ना आरू? कि कौन सा ले क्या करें, तो तभी घर जाके अभी डिस्कस करेंगे, लेट्स सी। इसमें ये है तो उसमें ये नहीं है, इसमें ये है तो उसमें ये नहीं है, ये इसमें अच्छा तो ये इसमें अच्छा नहीं है, ये इसमें अच्छा तो ये इसमें अच्छा नहीं है, देखते हैं लैपटॉप
अभी अभी ऐसा ही है जैसा इस पर वैसे ही लैपटॉप। हाँ तो एकदम नहीं लिया जाता, दो तीन बारी देखेंगे पसंद करेंगे फिर। मैंने शॉपिंग शुरू कर दी है 500 रुपए की पेन ड्राइव से। एक पेन ड्राइव का ट्रेलर दिखाया था ना, उसकी हमें पेन ड्राइव मिल नहीं रही, तो इसलिए हमने ली कि लैपटॉप में तो पड़ा ही है, हम पेन ड्राइव में ट्रांसफर करके टीवी पर आराम से देखेंगे, है ना। यस, तो अभी देखते हैं क्या करते हैं, अभी डिस्कशन हो रहा है क्या चीज इज बेस्ट, व्हाट थिंग इज बेस्ट फॉर अस। सैमसंग अच्छी कंपनी है, एलजी पे हमारा भरोसा है क्योंकि हमारा जो गाइस पुराना फ्रिज है ना वो भी एलजी का ही है। तभी हम आ गए निकल के क्रोमा से बाहर, कहाँ पे, पेंटालून में। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं देखने, दादी को कुछ पसंद आता है तो देखते हैं लेते हैं। अभी चल रहे हैं अंदर, लेट्स सी क्या है यहाँ पर। देख रहे हैं दादी के लिए, देख रहे हैं कि कौन सा कलर अच्छा लगेगा, दादी की साइज का है या नहीं, भैया दिखा रहे हैं। मैं व्लॉग बना रहा हूँ और मम्मा दूसरी जगह गई हुई है चेक करने के लिए कि वहाँ पे कुछ अच्छा दादी के लिए मिलता है या नहीं। इस बार मैं तो मूड में नहीं आ रखा खरीदने के, अगर देखेंगे कोई तो मैं देखूंगा, अगर कोई अच्छा लगा तो चलेगा, अगर कोई नहीं अच्छा मिला तो नहीं लेंगे जी। अभी तो दादी के लिए देख रहे हैं, फिर देखूं। गाइस ये देखो दादी कलर देख रही है, एक ये ग्रीन कलर, एक ये कलर और एक ये बेबी पिंक कलर। जो मैंने ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। मोर हाँ जी आ रही है, ज्यादा अच्छा ये वाला लगेगा फर्स्ट वन। गाइस देखो ये दादी ट्रायल के लिए जा रही है, मैं दादी को पकड़ा रहा हूँ। दादी ये लो जी, तो अभी दादी ट्रायल के लिए जा रही है, डैड यहाँ पे वेट कर रहे हैं, मम्मा उधर से आ रही है। आ चुके हैं लाइफस्टाइल, और इधर देखो मम्मा दादी के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही है, देखो दादी की मस्ती देखो। मस्ती क्या ले लेंगे, हाँ जी अच्छी लग रही है, ले सकते हैं, सुंदर लग रही है, ले सकते हैं मम्मी, धूप में भी आपको प्रोटेक्ट करेगी, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। ये और ये गाइस देखो ये पसंद करी है, ये ले लेंगी इसके साथ जाएगी। यस फ्रेंड्स ये देखो बिलिंग हो रही है हमारी, हमने शॉपिंग कर ली, और आर्यन की शक्ल इसलिए उतरी हुई है क्योंकि उसे लग रही है बहुत तेज भूख। मैं नाराज नहीं हूँ क्योंकि दादी ने तो गई, मैंने आपको कैप दिखाई थी, दादी ने ऑलमोस्ट ले ली थी, पर जैसे हम यहाँ पर नहीं मेरे को नहीं। हाँ और अब भूख से हालत बुरी हो गई है, शॉपिंग हमारी हो गई, मम्मी ने बैग पकड़ लिया है और अब हम चल रहे हैं कुछ खाने के लिए, है ना। पहले जाएंगे वॉशरूम, फिर जाएंगे खाने के लिए, और हमने लाइफस्टाइल से लिया है फ्रेंड्स। A few hours later हम आ चुके हैं गोला सिजलर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये रहा गोला सिजलर। अभी इसमें मैं जा रहा हूँ, मम्मा डैड और दादी ऑलरेडी अंदर पहुँच चुके हैं, ये हम आ गए, ये हमारी टेबल, और यहाँ पे लाइव म्यूजिक चल रहा है, मैं आपको दिखाऊँ। मन किया खाना का, एक्चुअली मन था कहाँ का, आर्यन का मन था गलौटी कबाब खाने का यार, एक थोड़ा चेंज करो आर्यन को खाने, मेरा मन था नॉनवेज खाने का, तो बोला सर अगर आता ना तो मैं इतना बार खाने का, चलो 2 मिनट का भी करवा दो, मैं डिसाइड कर, इसलिए मैंने ये कर दिया कि यहाँ पे आ जाते हैं, अब मैं खा लूंगा नॉनवेज और हम लोग वेज खा लेंगे और आर्यन आराम से नॉन वेज खा लेगा, इसीलिए हम आ गए ढाबा पे। हमने स्नैक्स मंगाए हैं, हमने मंगाया वेज कबाब, गलौटी कबाब है ये, वेज वेज के
तो अभी आर्यन वेट कर रहा है, आर्यन ने नॉन वेज के कबाब ऑर्डर किए हैं, तो अभी नॉन वेज वाले आएंगे वेज फिर खाएगा मटन गलौटी कबाब। तो अभी आर्यन के वो आएंगे फिर आर्यन वो खाएगा। तो अभी आर्यन पापड़ खा रहा है ना। तो अभी हम पहले ये स्नैक्स खाते हैं, फिर नेक्स्ट आपको दिखाएंगे कि क्या आप है। ये रही मेरी प्लेट, तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कैसा बना। सो फ्रेंड्स आगे आर्यन के मटन गलौटी कबाब है, तो आर्यन अब खाएगा और बताएगा कैसे है। ये देखो अब आर्यन खा रहा है, लेट्स सी अब इसको कैसा लगता है। कैसा है बेटा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, मजा आ गया, मजा आ गया। और हमने मंगाया है एग करी, हमने मंगाई है एग करी एंड दाल मखनी, और साथ में ये सिर का प्याज चटनी वगैरह सब कुछ है। आर्यन का भी फिनिश नहीं हुआ, वेट हो रही है, और हमने फूड कर दिया स्टार्ट। और ये रही मेरी प्लेट और ये रही रोटी। तो अभी हम खाते हैं, फिर आप लोगों को मिलते हैं।